हम आपको महाराष्ट्र से दे दें, जहां पर वर्धा में आर्मी डिपो में एक बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, महाराष्ट्र के वर्धा में आर्मी डिपो में धमाका। अभी वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आर्म्स एंड एम्युनिशन जहां पर रखा जाता है वहां पर यह खतरा हमेशा बना रहता है। दो लोगों की मौत की खबर इसमें आ रही है। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। बड़ी खबर इस समय हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र के वर्धा से आ रही है, जहां पर आर्मी डिपो में धमाका हुआ है। दो लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। आसपास का जो इलाका है उसमें अफरा तफरी है, उसको खाली करा लिया गया है। पुलिस बल, फायर ब्रिगेड सब वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट इस पूरी खबर पर। जानकारी मिल रही है कि वर्धा के आर्मी डिपो में एक्सप्लोजिव हुआ है, जो होते हुए ब्लास्ट हुआ है, धमाके की ओर से धमाका हुआ है। अब तक जानकारी ये मिली, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और दो लोगों की मरने की भी खबर आ रही है। मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंची हुई हैं तमाम, और बचाव कार्य लगातार शुरू है कि ताकि जल्द से उन लोगों को सभी को बचाया जा सके। लेकिन अभी जो सठीक जानकारी यही है कि दो लोगों की मरने की खबर है और साथ ही साथ कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्धा का आर्मी डिपो है, ये लगभग कितना बड़ा होगा और इसमें कितनी मात्रा हो सकती है आर्म्स एंड एम्युनिशन की? देखिए, बहुत बड़ा आर्मी डिपो है वर्धा का और काफी सारा इसमें कह सकते हैं हर चीज यहाँ पर मौजूद होता है। और इस जगह यहाँ पर इस तरह से विस्फोट होना, इस तरह से यहाँ पर होना, तो अपने आप में एक कह सकते हैं बड़ी चिंता वाली बात है। जिस तरह यहाँ पे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से एक जगह वर्धा में ही ब्लास्ट हुआ था और उसमें कई लोग उसमें मारे गए थे, तो यहाँ पर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों ऐसा होता है, यह बड़ी चिंता की बात है। और इसीलिए यहाँ पर पूरा लगातार, हालांकि आगे जांच की विषय, जांच का विषय है, लेकिन साफ है कि इस पूरे मामले पर अब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है जिसमें दो लोगों की मरने की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। अभिषेक, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने लोग इस डिपो के अंदर मौजूद होते होंगे एट ए टाइम? अगर किसी सीनियर अधिकारी से आपकी बात हुई हो, और अगर आर्मी कैंप है तो नॉर्मल जिन लोगों की डिपो पे ड्यूटी नहीं होगी, वो वैसे जवान और अधिकारी भी घर भी होंगे उनके वहां पर, उस पर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि इस इलाके को समझना चाहते हैं हम आपसे। देखिए, वर्धा का जो इलाका है काफी, जो ये इलाका है काफी बड़ा, बड़े इलाके में आर्मी डिपो है, आर्मी कैंप यहाँ पर है, और इसलिए यहाँ पर जानकारी, अभी जानकारी आपको तक नई जानकारी मिल रही है कि जो है उसको एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा था, उसी दौरान यह ब्लास्ट हुआ है और धमाका हुआ है जिसमें दो लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग जख्मी है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए यहाँ पे बड़ा आर्मी डिपो है, जरूर यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे राहत कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने की वजह इजाजत नहीं होती है। तो जरूर इस जगह पर इस तरह की घटना होना अपने आप एक बड़ी घटना है और कहीं कहीं जरूर इसमें लापरवाही, कहेंगे लापरवाही जरूर हुई है और क्या है, हालांकि तमाम जांच का विषय है, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जल्द से जो लोग अगर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द वहाँ पर। ठीक है अभिषेक, एक बार फिर से आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिन दो लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है, क्या वो आर्मी के एम्प्लॉयज थे या कोई सिविलियंस थे? देखिए, जो उसकी अंदर जो घटना हुई अंदर हुई है आर्मी कैंप हुई है, इसलिए यह जो भी हुआ है वह आर्मी के ही लोग जख्मी हुए हैं या फिर जो निजी मौत हुई आर्मी के लोग ही हैं, यह जानकारी अब तक मिली है। लेकिन इस पर मामले पर अधिकारी पुष्टि कुछ देर में अधिकारी करने वाले हैं, तब जानकारी सही मिल जाएगी कि उनके नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन हिसाब से जो हमारी जानकारी सबसे ज्यादा मिल रही है कि दोनों जो मरने की जानकारी जो आ रही है वो आर्मी के लोग ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।